हाँ जी पास्टर अंकुर नरूला जी को बीते समय च बहुत सारिया गल्लां होईयां, उन्हां नूं इहो मैसेज देना चाहुंदा वां कि अपनी तुसीं अपनी मिनिस्ट्री चलाओ, अपनी मिनिस्ट्री वल ध्यान देवो, किसी दे चर्च वल ध्यान ना देवो। लोकल ते अपनी कलीसिया का ध्यान रखो। भाई साहब मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है। अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन। दोस्तों इस कॉन्ट्रोवर्सी को तो आप जानते हैं, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में फिल्मी कलाकारों ने जो उल्टे सीधे डायलॉग बोले, यहां से ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और कॉन्ट्रोवर्सी यहां से शुरू होने के बाद अब इस कॉन्ट्रोवर्सी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के प्रधान भाई गौरव को भी घेर लिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, उन्होंने एक बयान दिया था जो कि मैंने भी अपने चैनल से आपको दिखाया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि पास्टर बजिंदर को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ये फिल्मी कलाकारों को बुला करके स्टेज से मसी लोगों के बीच में करवाया, गलत डायलॉग बुलवाए, पीछे हालेलुया और आमीन बोला जा रहा था। मतलब इन सब बातों को लेकर के उन्होंने विरोध जताया था अपना, और उनके साथ और भी पास्टर थे, यहाँ तक कि अमृत संधु जी भी थे जिनको आप जानते हैं। ये सब पास्टर मिल करके वहां पर गए और इन्होंने इस बात का विरोध जताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये बात थी भाई गौरव की पास्टर बजिंदर को माफी मांगनी चाहिए, वो बात एक पंजाब के मसीह मोर्चे को बड़ी चुभ गई। उन्होंने जो दोस्तों अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के प्रधान को लेकर के बयानबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो अभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। असि पास्टर अंकुर नरूला जी नूं बड़ा प्यार करते हैं, और वो जिहड़ा सम्मेलन आ साडी जथेबंदी ने कराया, इत्थे आपां कित्थे विरोध कर रहे उन्हां दा। होर कई जिहड़ी उन्हां को गलतियां होईयां पिछले टाइम प्रचार दे विच, आपां सारियां दरकिनार कीतियां, कदी भी नहीं उन्हां नूं कहा, कई जथेबंदियां ने उन्हां दा विरोध कीता, पर आपां कदी भी उन्हां दा विरोध च नहीं आए। उन्हां नूं इहो मैसेज देना चाहुंदा वां कि अपनी तुसीं अपनी मिनिस्ट्री चलाओ, अपनी मिनिस्ट्री वल ध्यान देवो, किसी दे चर्च वल ध्यान ना देवो। देखो जी उन्हां नूं समझ होनी चाहीदी है, क्योंकि मसीह भाईचारा युद्ध का कोई खाड़ा नहीं है, ना कोई जंग का जिहड़ा मैदान आ। एक प्यार करने वाला, माफ़ी देने वाला, प्रभु यीशु मसीह ने पापिया ने प्यार किया, पांच जिहड़ी औरतां ने पति किया उन्होंने पाप माफ़ किए। हाँ जी नहीं माफ़ी मारो, पास्टर आई उन्होंने माफ़ी थोड़ा मंगावे, रब दे दास आ, एक वधिया सेवका ही कर रहे हैं। अभी तो बच्चे नूं कहना चाहते, जो कल का बच्चा वा प्रभु च आया, पास्टर नूं सही तरह संबोधन करे। एक संत की इज्जत की आ, वो इज्जत वेखे संत की इज्जत किदा करदे आ रफले। ठीक है जी, तो बड़ी वड्डी बेवकूफी है उहदी, इह उहदी बेवकूफी है जे संतां को माफ़ी मंगांदा वा। ये देखे जो ये नहीं प्रधान से, यदा बॉस ही जेडे अजक संत हो गए फैरस मसीह जी, वो अगवाई से कम करता से, जो 16, 17, 18 च गया उदो बड़िया गलतियां हुई उ। आप नहीं कभी कहा कि माफ़ी मंगण, आपा हमेशा ही पास्टर अंकुर नरूला जी दा साथ दिता। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, मैं आपको बता दूं जिनकी बात को अभी आपने सुना है, ये इस मोर्चे के प्रधान हैं, और इनका ऐसा कहना है कि अंकुर नरूला जी से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं प्रचार में तरह तरह से, लेकिन हमने कभी भी उस बात का कोई भी विरोध नहीं किया। और इनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और ये भाई साहब उनको ये बात बोलते हैं कि तुम अपनी मिनिस्ट्री चलाओ और अपनी ही चर्च की तरफ ध्यान दो, किसी और की तरफ ध्यान मत दो, इनका ऐसा कहना है दोस्तों। अब इनकी बात पर दोस्तों मैं जवाब नहीं दूंगा, इनकी बात पर मैं आपको अंकुर नरूला जी के ही मुंह से जवाब सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो कि उन्होंने संडे को भी बोला था। पहले आप इस वीडियो को देखिए। लोग बोलते अपनी कलीसिया का ध्यान रखो। भाई साहब मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है। अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन। ये जीसस की कलीसिया है, तुम जीसस की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा को प्रवेश नहीं करवा सकते। अभी आपने अंकुर नरूला जी की इस बात को सुना, मिनिस्ट्री और चर्च हमारी नहीं है, मिनिस्ट्री और चर्च और जो कलीसिया है वो परमेश्वर की है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि ये आपकी है ये हमारी है। बल्कि चाहे कोई भी किसी भी चर्च में जाता हो, अगर कोई एक खुदा का दास है तो वो यही चाहेगा कि जो किसी भी चर्च में कोई भी विश्वासी जाता हो वो किसी भी तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए, स्वर्ग में चला जाए, ऐसा हर एक पास्टर चाहेगा, ऐसा मैं भी चाहता हूं, और ऐसा आप भी दोस्तों जरूर चाहते होंगे। आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे दुश्मन नरक में चले जाए, बल्कि आप ये चाहते होंगे कि वो लोग भी यीशु मसीह को जाने और वो भी स्वर्ग में चले जाए, उस अनंत काल की आग से बच जाए जो कभी नहीं बुझती। अब इन भाई साहब का जवाब मैंने अंकुर नरूला जी के मुंह से इनको सुनवा दिया है कि चर्च किसी पास्टर की नहीं है,
बल्कि यीशु मसीह की है, कलीसिया यीशु मसीह की है। तो इसलिए इस बात को तो बिल्कुल छोड़ दें कि अपने ही चर्च पर ध्यान दें, हर एक विश्वासी पर ध्यान देना पास्टर का कर्तव्य है। फिर उसके बाद दोस्तों इन भाई साहब का ऐसा कहना है इस वीडियो में कि जो यीशु मसीह है वो पापों को माफ करता है, पांच पांच जिसने पति किए उस महिला को भी माफ किया। मैं आपको बता दूं सामरी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं बाइबल से। फिर एक मीडिया का व्यक्ति पूछता है कि आप ये चाहते हैं कि जो अंकुर नरुला जी है वो माफी मांगे। फिर इस मसीह मोर्चे के प्रधान का ऐसा बोलना है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो माफी मांगे क्योंकि वो खुदा के दास है, हम उनसे कोई माफी नहीं मंगवा सकते। फिर बोलते हैं कि वो तो एक खुदा के दास हैं, अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो उस बच्चे को बोलना चाहते हैं, मतलब जो प्रधान है वहाँ के, जो गौरव हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि प्रभु के दासों को अच्छे से संबोधित करें। फिर मीडिया के लोग पूछते हैं इनसे कि गौरव जी ने वीडियो में बोला कि पास्टर बजिंदर को माफी मांगनी चाहिए इस बात पर। तो इस बात को सुनते ही जो ये मसीह मोर्चे के प्रधान हैं एकदम उखड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है उस लड़के की, मतलब अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के प्रधान की, कि उसने ऐसे कैसे एक प्रभु के दास को माफी मांगने के लिए बोल दिया। फिर ये फिर से अंकुर नरुला जी पर आ जाते हैं कि हमने तो कभी भी नहीं बोला अंकुर नरुला की गलतियों पर कि वो माफी मांगे, पर गौरव ने ये बात कैसे बोल दी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों मैंने अच्छे से आपको ये वीडियो हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात ये है कि इनका कहना है कि इनको ये बात बड़ी बुरी लगी कि जो अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के प्रधान है भाई गौरव, उन्होंने ये बात क्यों बोल दी कि पास्टर बजिंदर को माफी मांगनी चाहिए, वो एक संत से माफी कैसे मंगवा सकते हैं। तो मैं इस मसीह मोर्चे के प्रधान से पूछना चाहूंगा, क्या अगर वो माफी मांग लेंगे तो क्या वो झुक जाएंगे, क्या वो नीचे हो जाएंगे? इसका मतलब तो दोस्तों ये होता है कि जो खुदा का दास है उसको कभी माफी ही नहीं मांगनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा खुदा का दास हो जाए लेकिन उनसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और वो पश्चाताप करते रहते हैं, तो क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपनी उन गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं करते होंगे? क्या प्रभु के आगे माफी नहीं मांगते होंगे? और दूसरी बात जो मुझे इनकी बहुत अजीब लगी, और दूसरी बात मुझे बड़ी अजीब लगी, इनका ऐसा कहना है कि वो कल का बच्चा है, मतलब हम इस बात का क्या मतलब समझें कि वो कल का बच्चा है जिस प्रभु ने अंकुर नरुला जी को बढ़ाया है, जिसने अपने सभी अभिषिक्त दासों को बढ़ाया है, जिसने विश्वासियों को बढ़ाया है, उसी ने भाई गौरव को भी बढ़ाया है, तो वो कल का बच्चा कैसे हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये तो दोस्तों सरासर चुभने वाली बातें हैं जो कि ये बोल रहे हैं। अब इन बातों को लेकर के आगे फिर कंट्रोवर्सी होगी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि मैंने ये बात क्यों बोली थी स्टार्टिंग में, कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से शुरू होकर के अब ये बात अंकुर नरुला जी के प्रधान पर आ गई है और जो मसीह मोर्चे के जो प्रधान है इन लोगों पर आ गई है। ये लोग अब आपस में कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, अब आप समझ ही चुके होंगे। बाकी आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दें।